आपने ये तो सुना होगा कि नवरात्रि के अवसर पर अक्सर लोग नौ कन्याओं को भोज कराते हैं, वे उनकी पूजा करते हैं। देवी स्वरूप इन कन्याओं की पूजा के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जरूर जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राम सिंह कॉलोनी स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की, जहां हर साल 108 कन्याओं को भोज कराया जाता है, वह उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद उन्हें काफ़ी सारे उपहार भी दिए जाते हैं। लेकिन इस बार इस मंदिर में 121 कन्याओं की पूजा की गई व इसके बाद उन्हें भोज कराया गया। इस अनोखे मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर भोज के साथ साथ सनातन धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, वह पढ़ाई व सामाजिक भाईचारे को लेकर भी बच्चों को बताया जाता है। बता दें कि यहाँ गरीब तबका, ऐसे में इन लोगों की ये मंदिर संस्था काफ़ी सेवा करती है, इन्हें समय समय पर जागरूक भी करती रहती है। इस मंदिर के संचालक हैं पवन कुमार शर्मा व उनके भाई, जो लगातार इस मंदिर की सेवा करते रहे हैं। लगभग 20 से 21 सालों से इसी तरह से इस मंदिर की ये लोग सेवा कर रहे हैं, जानते हैं। पवन जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, कितने वर्ष से चल रहा है और कितनी कन्याओं को आज यहाँ पे भोज कराया गया है? ये कार्यक्रम 15 साल से चल रहा है जी। नवरात्रि की तो नवमी को पंडाल लगाया जाता है और वैसे पूर्णिमा को लगाया जाता है। हमारा लक्ष्य था जी 108 कन्या का, तो 108 कन्या का लक्ष्य तो बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले पूरा हो चुका था। अब की बार 121 कन्या हो चुकी है। ये कार्यक्रम 15 साल से चल रहा है जी कंटिन्यू। अब सर्व पूर्णिमा रही जी, सर्व पूर्णिमा पर 2.5 क्विंटल दूध की खीर बनेगी जी। अच्छा, हाँ जी। नवरात्रों पे क्या विशेष रहता है यहाँ पे? नवरात्रों के तो विशेष यही रहता है जी, 108 कन्या होगा मेन तो विशेष। अब की बार 121 होगी जी, वो 140 की जाए, वो माता रानी की कृपा है। किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत कैसे करी, ये जब शुरू के अंदर ये मंदिर बनाया गया तो यहाँ पुजारी कहने लगा कि भैया जोड़ का भी घी भी नहीं आता, तो उसको चलाने के लिए हमने बैठ करके एक सलाह की कि भाई यहाँ भंडारे शुरू किए जाए, क्योंकि महोत्सव का नाम ही मंदिर है जी, तो महोत्सव करते रहो। तो हमने भंडारे की शुरुआत की थी, सूक्ष्म रूप से की। शुरू के अंदर हम 20 किलो आटे की पूरी बनाते थे और अब ये लगभग 80 किलो तक पहुँच गई है और लगभग 500 के करीब भोजन कर जाते हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो इससे बाद भंडारे के अंदर लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ मंदिर है और है, तो मंदिर दक्षिणमुखी जो हमारा हनुमान मंदिर है राम सिंह कॉलोनी में, इसके जो संस्थापक हैं हमारे बहुत ही सम्मानीय पवन शर्मा जी, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं प्रशंसा भी करता हूँ पवन जी की और इन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि देखो हमारे देश में कहावत है कणकण शंकर कणकण शंकर, भगवान तो हर जगह विराजमान है और हमारे हासी शहर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं और सभी अपने स्तर पर अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस मंदिर का विशेष महत्व मेरे नज़रिए से ये है कि राम सिंह कॉलोनी जो इलाका है बहुत ही पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर लगभग जो है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति रहते हैं, जो पूरे दिन अपनी आजीविका कमाने की ही लड़ाई लड़ते हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों में धार्मिक चेतना और शैक्षणिक चेतना लाना सरकार के लिए भी ज़रूरी है और जो शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है। तो उसमें जो पवन शर्मा जी 15 वर्षों से जो मैं इसको मंदिर के साथ साथ ही एक मुहिम है, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम पंक्ति के लोग हैं, इनको धर्म के बारे में जानकारी देना, इनको शिक्षा के बारे में जागृत करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे लगभग 121 के करीब कन्याएं थी, सबको हमने अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये मतलब आज के कार्यक्रम के बारे में देखो अनुराग जी, पिछली बार की तरह इस बार भी आप आए, आपके दर्शकों को बड़ा बड़ा धन्यवाद देखने के लिए। अनुराग जी, शारदीय नवरात्रि का यहाँ उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम अखंड ज्योत का जो है कार्यक्रम किया जाता है, यहाँ के मुख्य पुजारी सत्यनारायण जी द्वारा, पवन जी उसका संचालन करते हैं यहाँ,
और अखंड ज्योत अर्पित करने के बाद 9 दिन लगातार साय और सुबह दोनों समय महिलाएं कीर्तन करती हैं यहाँ आकर के। और आज जैसे कि 9वां दिन है सिद्धिदात्री का, सिद्धि प्राप्ति के लिए जो लोग यत्न करते हैं कीर्तन करते हैं उनके लिए सबसे पहला मुख्य कार्य होता है कि कन्याओं को सुबह भोजन कराया जाए, जिससे महामाया कहते हैं आज 121 कन्याओं को भोजन करवाया गया और उनको श्रद्धा सुमन किए गए और उनको भारती भारती के जो है उपहार देकर महामाया से आशीर्वाद लिया गया है। और इस कार्य के अंदर सदैव ही हमारे पवन शर्मा जी का, हमारे चाचा श्री का आशीर्वाद हम पे बना रहता है, करते रहते हैं वो हमें ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए। तो अनुराग जी, पिछली बार की तरह इस बार की तरह आगे भी आपको यहाँ पे अनेक ऐसे उत्सव होते हुए दिखाई देंगे जो वाकई में आप कहेंगे कि अंतिम पंक्ति पर जो लोग बैठे हैं उनको इसका लाभ मिलता है। थैंक यू सर।